बच्चों को नहलाने के लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं? यदि बच्चों की स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है, रफ रहती है, तो आप बच्चों को किस चीज़ से नहला सकते हैं जिससे आपको बच्चों के लिए साबुन भी यूज़ ना करना पड़े। ये देखिए, यहाँ पर है मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर का दूध और इसमें आप बस थोड़ा सा ब्रेड ऐड कर लीजिए। छोटा बच्चा है तो आधा बहुत है, थोड़ा बड़ा है तो एक ब्रेड। ये बच्चों के कॉम्प्लेक्सन को भी काफ़ी ज़्यादा निखारेगा और उसी के साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह के कोई भी केमिकल भी नहीं होते हैं। एंड इसको आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 5 मिनट पहले भिगो दिया था और ये एकदम सॉफ्ट हो गया है, जिससे आप इसे इजीली अप्लाई कर पाएंगे एक पैक की तरह से। सेकंड, बच्चों को नहलाने के लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं? यदि बच्चों की स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है, रफ रहती है, तो ऐसे में आप कोई भी नेचुरल ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप नेचुरल कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा बस बेसन डाल दीजिए, बेसन के साथ बहुत ही पतला पेस्ट रेडी कीजिए और उससे आप बच्चों का उबटन कीजिए और आप बच्चों को नहला सकते हैं। कि आपको बच्चों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, तो मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा आपको रिकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट, ये है ममा अर्थ के प्रोडक्ट। क्योंकि हम जो बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये टोटली केमिकल फ्री हो, और ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये टोटली केमिकल फ्री होते हैं और सर्टिफाइड हैं, पैराबेन फ्री हैं, सिलिकॉन फ्री हैं, किसी भी तरह का इसमें कोई भी एनिमल हार्म नहीं है, यानी प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये, एक इंडियन ब्रांड है सबसे बड़ी बात, और हमें अपने इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। ये भी एक पेरेंट्स के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है जिसे उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये बेबी क्रीम है और ये बेबी लोशन है जो बच्चों की बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है और सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है और उनकी उनका पीएच बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है ममा अर्थ के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है ये फेस क्रीम ममा अर्थ से, जो मिल्क प्रोटीन और मुरु मुरु बटर के साथ आती है। और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास डेली लोशन, जो सिया बटर और जजुबा ऑयल के साथ आता है। ये 0 to 5 के लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये बच्चों की स्किन को का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं और उसी के साथ ही साथ ये कम्प्लीटली केमिकल फ्री हैं, टोटली नेचुरल प्रोडक्ट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। और यदि आप इन प्रोडक्ट को लेने की सोच रहे हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए या छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो आप इसे मामा अर्थ की वेबसाइट से ख़रीद लीजिए। और हाँ, मामा अर्थ के कोई भी प्रोडक्ट लेते टाइम आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कूपन कोड है मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, आयुर्नेहा20। इसे यूज़ करने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है और उसके अलावा आप अमेजोन और फर्स्ट क्राई से भी ले सकते हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप इमीडिएटली क्लिक करके ले सकते हैं। बच्चों के हेयर केयर को लेकर बहुत सारे लोगों को होता है कि बच्चों के बालों में मजबूती कैसे आए, लेकिन यदि आप बच्चों के बालों में ऑयल नहीं डालेंगे, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखा है जो बच्चों के बालों में ऑयल का यूज ही नहीं करते हैं। यदि आप ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसी तरह से हेयर्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। यदि आप उन्हें खाना ही नहीं देंगे तो वो कैसे स्ट्रांग बनेंगे? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें ऑयलिंग करने की आदत डलवाएं। आप एटलीस्ट वीक में 2 बार बच्चों को आदत पड़वाएं कि वो अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करें। तो ऑयल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? ऑयल के लिए बच्चों के लिए भी आप कोशिश कीजिए कि मल्टीपल ऑयल आप यूज कीजिए, जिसमें कि मेन आप कोई भी कैरियर ऑयल्स रख सकते हैं जो हल्के होते हैं और जिनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जैसे कि कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और ये लाइट भी होते हैं, हल्के होते हैं, और इसमें आप साथ में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ज़रूर ऐड कीजिए इन कैरियर ऑयल्स के साथ, क्योंकि ये बालों को मजबूती भी देगा और बच्चों के बालों को घना और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इससे आप उन्हें मसाज कराइए। नेक्स्ट टिप है बच्चों की हेल्थ को लेकर कि बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खाना चाहते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें? या फिर बच्चा बहुत ज्यादा पतला दुबला और कमजोर लगता है। यदि बच्चा आपको बहुत ज्यादा पतला दुबला दिख रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटी प्रॉपर है, वो अच्छे से एक्टिविटी करता है
और पूरे दिन एक्टिव रहता है एंड खाना भी प्रॉपर तरीके से खाता है, बस आपको पतला पतला दिखता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है यदि आपका बच्चा प्रॉपर एक्टिव है और उसका वेट नॉर्मल है। बट लेकिन उसका वेट अंडर वेट है, उसी के साथ उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत कम रहती है या जल्दी थक जाता है। ऐसे में आपको बच्चे का वेट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चे के वेट को गेन कराना चाहिए। इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सा एक नुस्खा है, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे का जो दूध हो उसमें या तो छुहारों को आप उबाल लीजिए, 4 से 5 छुहारों को, और उसके बाद छुहारे वाला दूध बच्चे को पीने को दीजिए। आप शुगर की जगह छुहारे को उबालेंगे और उसके बाद आप उसमें जो भी और चीजें ऐड करते हैं, जैसे बॉर्नविटा है या फिर जो भी आप बच्चों को बुलाते हैं वो ऐड कर दीजिए, तो उसका टेस्ट भी बच्चों को पता नहीं चलता है। या फिर आप क्या कीजिए, छुहारे की चटनी बना लीजिए और उसको पहले खिलाकर उसके ऊपर से बच्चों को दूध पिलाइए। इस तरह से बच्चे बहुत इजीली वेट गेन कर लेते हैं और बच्चों की हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार भी आता है। इसके लिए ये थे कुछ हमारे छोटे छोटे से सुझाव, आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस और टॉपिक पे भी सुझाव चाहेंगे वो हमें जरूर बताइएगा।